तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेटअप करने जा रहे हैं अपने लाइट को। जैसा कि आप लोगों ने हमारा सारा वीडियो देख ही लिया होगा, कौन कौन से कंपोनेंट को मैंने परचेस किया है बहुत ही लो प्राइस में। मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन लाइट सेटअप बना के दिखलाने वाला हूं। तो उसके तो आपको सबसे पहले एक स्टैंड की जरूरत होती है, उसका अनबॉक्सिंग वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एक एलईडी लाइट होल्डर की जरूरत पड़ती है और एक डिफ्यूजर की। बहुत ही लो बजट में मैं एक लाइट सेटअप बिल्ड कर रहा हूं, जिसमें कि मैंने सब कुछ दो दो यूज किया। टू क्वांटिटी वाला लाइट सेटअप, टू अम्ब्रेला, टू लाइट स्टैंड एंड टू होल्डर, और आपको दो एलईडी बल्ब की जरूरत होगी जो कि आपके घर में होगा। इस सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग जितनी ज्यादा पावर रेटिंग का बल्ब यूज करेंगे, हम लोग का आउटपुट उतना ही अच्छा होने वाला है। मैं यहाँ पे 250 वाट का बल्ब यूज कर रहा हूँ, ओवरऑल 100 वाट आप कह सकती हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस होल्डर को सेट करते हैं स्ट्रैपॉट में। आपको सिंपली इस बल्ब होल्डर को इसमें अच्छी तरीके से माउंट कर देना है, कुछ इस तरह से। माउंट करने के बाद आपको इस स्क्रू को टाइट कर देना है, तो मैं इस स्क्रू को टाइट कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स। तो अब रही बात कि इसका एंगल कैसे चेंज करना है, तो मैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में वो सब कुछ बता दिया हूँ, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अब हम लोग इसमें करेंगे अपने अम्ब्रेला को सेटअप। चलिए करते हैं उस अम्ब्रेला को सेटअप। तो हम लोगों ने अपने अम्ब्रेला को ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद तो सबसे पहले हम लोग इसका स्क्रू लूज कर लेते हैं। लूज करने के बाद इसके होल में इसे फिक्स कर देंगे। हम लोग इसके अंदर इसे माउंट कर दिए, अब इसे टाइट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया सेटअप तैयार। तो बहुत ही आसानी से इस सेटअप को तैयार किया जा सकता है। तो चलिए आगे से मैं इसका कुछ लुक आपको दिखला देता हूँ। तो कुछ इस तरह का आपको लुक देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब इसके अंदर साइड से लुक आपको दिखलाते हैं। तो ये रहा हमारा इंटरनल लुक, कुछ इस तरह का दिख जाता है। अब रही बात कि ये वर्क कैसे करेगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे अपने एलईडी को फिक्स करेंगे, इसका जितना भी हार्श लाइट होगा इस पे पड़ेगा और ये डिफ्यूजर उसे डिफ्यूज करके आपको सॉफ्ट लाइट प्रोवाइड करेगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। तो जैसे मैंने इसे तैयार किया, इसी तरह एक और तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद आपको मैं कुछ शॉट्स दिखलाता हूँ इसे कैसा ये लगता है ओवरऑल बनने के बाद। इस वीडियो में मैंने जितना भी प्रोडक्ट दिखाया हूँ, वो सारे प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग वीडियोस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो उसके लेटेस्ट प्राइस विद बाइंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको बाइंग लिंक इसके पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो सिंपली कमेंट करें और हमारे साथ बने रहे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।